तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित राज ब्लॉग्स में। मैं आज आया हुआ हूं दोस्तों मैं अपने खेत में, और खेत में इसलिए आया हूं दोस्तों कि मैं अपना बोया हुआ था मटर की खेती किया था, तो उसको देखने आया हूं दोस्तों अच्छा हुआ है कि नहीं। अभी पानी दो तीन चार दिन से गिर रहा था, तो सोचा आज मौसम ठीक है तो चलता हूँ अपने खेत को देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों मैं अपने खेत पर बैठा हुआ हूँ अभी, और मेरे अगल बगल आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल नज़र आ रहे होंगे, और अभी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों इसमें ये है जो फूल देख रहे हैं ना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं कौन सा पौधा है और किस काम में आता है। तो आइए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा मेरा इस वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। तो आइए तो दोस्तों इसी के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था, आपको मैं बता रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसको तीसी बोलते हैं, और इस तीसी का हम लोग तेल बनाते हैं, और इसको आप देख सकते हैं इसका फूल कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए दोस्तों आपको दूर से दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर है। पूरे खेत में दोस्तों ये बोया हुआ है, मटर बोया हुआ है और तीसी का ये तेल वाला तीसी को भी बोए हैं। जैसे आप लोग बाहर में हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर सरसों का खेती करते हैं, उससे तेल बनता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी सरसों का खेती करते हैं, पर हमारे यहाँ सरगुजा में ज़्यादातर जैसे ठंड का मौसम रहता है, धान कटने वाला रहता है ठंड से पीछे, तो ये मेरे ख्याल से लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर के लगभग में जैसे धान खड़ा रहता है और कटने के लिए 20 से 25 दिन बाकी रहता है, और उस खेत पर नमी होता है ना, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं अपने उसी धान वाले खेत में जाके बो देते हैं। इसमें फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हमारा खेत को जुतवाना नहीं पड़ता, और जैसे हमारा धान जब कटता है उस टाइम हमारा पौधा दो दो फीट इतना साइज का हो चुका रहता है। उसके बाद धान कटने के बाद जनवरी के महीने में, जो अभी जनवरी का महीना चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जो पौधा तैयार हो चुका है, फरवरी मार्च के लास्ट अप्रैल का फर्स्ट हफ्ता, उसी टाइम हम लोग इसका उखाड़ेंगे काटेंगे इसको और अपने घर ले जाएंगे। इसके बाद इसको थ्रेसर से मिसाई करके इसका जो बीजा निकलता है दोस्तों, उसको ले जाकर जहाँ तेल बनाया जाता है वहाँ पर इसका बीजा को दे देंगे, तो वहाँ तेल फिर बन के हमारा घर आ जाएगा। तो दोस्तों बस इसका यही एक और फायदा है इसका, इसका तेल किसी का कंधे में या किसी का पैर में मोच आया हुआ रहता है ना, तो इस तेल को आप लगाएंगे उस जगह पर और मालिश करेंगे तो वहाँ ठीक हो जाता है। तो इस तेल का फायदा भाई दो फायदा है, एक तो खा भी सकते हैं और एक तो मालिश भी करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा तेल होता है, दवाई का भी काम करता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपने खेत में तीसी। ये देखिए दोस्तों मेरा खेत का मटर अच्छा हुआ है, पर अभी फला नहीं है, फूल लगा है इसमें, फल जैसे लगेगा वैसे फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है दोस्तों, इसके चलते मैं एक बार आपको इसका फूल पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख चुके होंगे फूल, ये मटर का फूल है, ये छोटा वाला मटर है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप पूरे खेत में लगा हुआ है जहाँ तक आपका नज़र जा सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं दोस्तों, ज़्यादा दूर तक आप मत देखिएगा, हरा हरा जो दिख रहा है खेत में वही है मेरा खेत, और वही है जो हरा दिख रहा है मटर, ये देख सकते हैं आप। और शाम होने वाला है दोस्तों, सूरज डूबने पर है, अभी हल्का दो घंटे में डूब जाएगा, ये देख सकते हैं आप सूरज को, अच्छा लगा होगा दोस्तों आपको इस वीडियो में मटर देखकर। पर दोस्तों इसमें फल लगा नहीं है, हल्का फुल्का फल लगा है, आपको दिखा देता हूँ मैं,
ये देख सकते हैं, ये फल लगा है, ये देखिए। चैनल जो मेरा अमित राज ब्लॉग है, इसको भाई आप लोग बहुत ही बहुत ही बहुत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके मुझे बताइए मेरा यूट्यूब चैनल कैसा आपको लगा, इस चैनल का वीडियो।